ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। देखिए, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये 11th नंबर वीडियो है और इसमें हम देखने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स का जो एक 11th चैप्टर है आपका अब मैरिज प्रपोजल, इसका आज एमसीक्यू देखने वाले हैं। इसको लिखा है एंटन चेकोव ने और ये है इनकी तस्वीर, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, एक विवाह प्रस्ताव, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। अभी अभी यहाँ पे आपने तस्वीर देखी, यहाँ पे आपको नेम भी मिल गया था। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एंटन चेकोव, ये आपका राइट आंसर है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, नतालिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मीडोज। नतालिया और खाली स्थान बैल के घास के मैदान के लिए झगड़ रहे थे, कौन? नतालिया और कौन झगड़ रहे थे बैल के घास के मैदान के लिए? जल्दी से कमेंट कीजिए। वीडियो इसलिए प्रीमियर किया जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अपने साथ अपना नॉलेज चेक करते चलिए। चलिए यहाँ पे इसका जो दूसरा का जो ऑप्शन नंबर सी है लोमोव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक लैंड ओनर रहता है, एक जमींदार ही रहता है, और नतालिया के पिता चोबोकोव ये भी एक लैंड ओनर ही रहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हुज फादर वाज अ गैम्बलर, किसके पिता एक जुआरी थे। अभी मैंने आपको बता दिया कि नतालिया के पिता एक जमींदार हैं, तो किसके पिता जुआरी थे? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है लोमोव। बेसिकली इसमें तीन कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस है और दो कुत्तों का नाम है यहाँ पे, देखिए एक लोमोव, एक चोबोकोव और एक नतालिया। यहाँ पे नतालिया आप देख सकते हैं और बाकी एक ऑथर हो गया आपका एंटन चेकोव, ये चार कैरेक्टर और फिर आगे दो कुत्ते हैं जिनका नाम आएगा, उनको आपको याद रखना होगा। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लोमोव बॉट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोव, एक और नाम यहाँ पे देख लीजिए। फोर, हाउ मेनी रूबल्स, रूबल्स एक रशियन करेंसी है और जो आपके ऑथर हैं वो भी रशिया के हैं, तो ये रूबल रशियन करेंसी है, इसका अभी लगभग 0.99 के आसपास रुपीज के बराबर होता है, मतलब एक रुपए के बराबर ही लगभग है इसका वैल्यू। चौथा का जो ऑप्शन नंबर ए है 125, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का 125 रूबल्स में खरीदता है लोमोव मिरोनोव से अपना कुत्ता। लोमोव के कुत्ते का क्या नाम है कमेंट कर दीजिए, आगे क्वेश्चन इससे आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। चलिए पांचवा नंबर, द डॉग लीप ऑफ नतालिया वॉज बॉट फॉर हाउ मेनी रूबल्स। अब नतालिया ने एक कुत्ता खरीदा था जिसका नाम लीप था, नतालिया कुत्ते का नाम लीप था। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है, नीचे कमेंट कीजिए अभी अगर आपको पता है तो। नतालिया कुत्ते का नाम लीप था को उसने कितने में खरीदा था, कितने रूबल में? तो पांचवा का जो ऑप्शन नंबर ए है 85 रूबल, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसने कितने रूबल में खरीदा था, 125 रूबल्स, और नतालिया ने खरीदा था 85 रूबल, बेसिकली नतालिया के पिता ने खरीदा था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाज अ ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया। अब रशिया नाम आ रहा है तो अभी मैंने बताया कि एंटन चेकोव जो थे वो आपके रशियन राइटर हैं, एंटन चेकोव ये आपके रशियन राइटर हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर है। रूस के एक नाटककार और लघु कथाकार थे। सातवां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडोज। जो घास के मैदान के लिए वो दोनों लड़ रहे थे नतालिया और लेमोव, उस मैदान का क्षेत्रफल क्या था? तो इसका जो सातवां का जो ऑप्शन नंबर ए है 40 एकड़, ये आपका राइट आंसर है। 40 एकड़ के घास के मैदान के लिए वो झगड़ रहे हैं कि ये मेरा है, और लोमोव कह रहा था कि ये मेरा है। चलिए एट नंबर क्वेश्चन, हु वाज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव। लोमोव की सबसे छोटी चाची कौन थी? ये एक यहाँ पे आपको एक और नाम याद रखना है, लेकिन ये ज्यादा चैप्टर में नहीं आया है फिर भी पूछा जा सकता है। तो आठवां का ऑप्शन नंबर सी है नास्तासिया, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नाइन नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है कि लोमोव इज अ मीन ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे टेम्परामेंट। 2018 में पूछा गया सवाल है, इस बार पूछे जाएंगे चांसेस। लोमोव खाली स्थान स्वभाव का है, लोमोव किस स्वभाव का है? तो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर ये आपका जो डी ऑप्शन है नर्वस, ये आपका राइट आंसर है। देखिये वो बेचैन स्वभाव का है और नर्वस हो जाता है, वो प्रपोज नहीं कर पाता है नतालिया को। ओके, टेंथ नंबर क्वेश्चन, लोमोव इज अ नेवर ऑफ, लोमोव किसका पड़ोसी है, लोमोव जो है वो किसका पड़ोसी है? तो देखिए टेंथ का जो ऑप्शन नंबर सी है चुबोकोव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी इनकी बेटी कौन थी, नतालिया, जिनसे शादी कौन करना चाहता था, लोमोव, ठीक है। और ये दोनों जमींदार थे, लोमोव और चुबोकोव दोनों जमींदार थे, लैंड ओनर थे। ओके, 11th नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज द डॉटर ऑफ चुबोकोव। चुबोकोव की बेटी है, अभी अभी मैंने बताया नतालिया है, ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर फिल इन द ब्लैंक्स हैंड इन मैरिज। लोमोव उसकी बेटी से मतलब है चुबोकोव की बेटी से शादी के लिए हाथ मांगने आया है। तो यहाँ पर चुबोकोव की बेटी का क्या नाम है, यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन उसी टाइप का पूछ दिया है। तो नतालिया के हाथ के लिए, शादी के हाथ के लिए लोमोव आया है उसके पास, चुबोकोव के पास।
चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर है। ओके 13वां नंबर क्वेश्चन, लोमोव इज फिल इन द ब्लैंक्स इयर्स ओल्ड, लोमोव कितने साल का है, लोमोव कितने साल का है। 13 का जो ऑप्शन नंबर डी है 35 साल का है वो, लोमोव 35 साल का है और वो अभी नतालिया से शादी करना चाहता है। अभी आगे नतालिया का भी एज पूछा जाएगा, उस पर कमेंट भी कर दीजिए आप नीचे। पहले मैंने आपसे पूछा था कि लोमोव के कुत्ते का क्या नाम है, अगर नहीं कमेंट किया तो अभी भी कीजिए, अभी क्वेश्चन आने वाला है ये। एंटन चेकॉव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, एंटन चेकॉव ने क्या लिखकर अपने करियर की शुरुआत की, ड्रामा, पोएट्री, कॉमिक्स स्केचेज या नोवेल्स, बताइए जल्दी से। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कॉमिक स्केचेज, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज नतालिया, देखिए नतालिया की उम्र कितनी है पूछ दिया ना यहाँ पे, नतालिया की उम्र कितनी है जल्दी से बताइए। 15 का जो ऑप्शन नंबर डी है 25, 25 वर्ष की है नतालिया, और लोमोव, लोमोव 35 वर्ष का है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड चोबोकोव रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नो दैट लोमोव वांट्स टू मैरी नतालिया, चोबोकोव कौन है, नतालिया के पिता है, फादर, चोबोकोव का रिएक्शन कैसा होता है जब लोमोव कहता है कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो यहाँ पे उसका जो ऑप्शन नंबर 16 का वो है हैप्पी, वो खुश खुश हो जाता है क्योंकि चोबोकोव भी चाहता था कि इन दोनों की शादी हो। ठीक है चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन, एंटन चेकॉव वाज बॉर्न इन, एंटन चेकॉव का जन्म कब हुआ, एंटन चेकॉव कौन है, ये आपका राइटर है, कंफ्यूज नहीं होना है नाम में, ये आपके इस पार्ट के लेखक हैं, राइटर हैं, कहाँ के हैं, रशियन राइटर हैं। अब उनका जन्म कब हुआ है यह बताइए कमेंट करके। 17वां का जो ऑप्शन नंबर बी है 1860, 1860 में हुआ है, 1860 ईस्वी में, तो ये आपका राइट आंसर है 17 का बी। ओके 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हेन डिड एंटन चेकॉव डाई, अब उनकी मृत्यु कब हुई, एंटन चेकॉव जो आपका राइटर है उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1904 में, 1904 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था 1860 में, मृत्यु कब हुई 1904 में, टोटल वो कितने वर्ष जिए, 44 वर्ष। ठीक है 44 वर्ष। ओके 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मिस्टर स्टेपानोविच चोबोकोव, देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, अजीब नाम है ये, तो श्री स्टेपानोविच चोबोकोव एक क्या है, मैंने पहले ही बताया चोबोकोव और लोमोव दोनों एक लैंड ऑनर्स हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है जमींदार हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमींदार हैं श्री स्टेपानोविच चोबोकोव एक जमींदार हैं। और अगर आपको उनका पूरा नाम जानना है, देखिए नतालिया का पूरा नाम क्या है बता देता हूं मैं, हो सकता है क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपको आसानी हो। देखिए नतालिया का पूरा नाम नतालिया स्टेपानोवा, स्टेपानोवा इनका पूरा नाम आपको मिल गया, चोबोकोव का यहाँ पे पूरा नाम मिल गया, एक बच गए आपके लिनोव, तो लिनोव का नाम है इवन वैसिलीविच लोमोव, ये सब रशियन नेम है, कहाँ के हैं, रूस के नाम है, सब रूस के नाम है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे शॉर्ट इसलिए यूज किया गया, नतालिया यूज किया गया है, लोमोव यूज किया गया है और फिर चोबोकोव यूज किया गया, ताकि आपको नाम याद रह सके। अगर बाय द वे अगर पूरा नाम पूछ देता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा, इवन लोमोव या फिर नतालिया स्टेपानोवा, फिर यहाँ पे है मिस्टर स्टेपानोविच चोबोकोव। ओके 20वां नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था जिसका कमेंट करने को मैंने शुरुआत में बोला था वही क्वेश्चन यहाँ पे है, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, तो लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था, और लीप किसके कुत्ते का नाम था, लीप नतालिया के कुत्ते का नाम था, नतालिया, और वो दोनों कुत्ते को भी लेकर झगड़ रहे होते हैं, और पहले वो बैल के घास के मैदान के लिए झगड़ रहते हैं जिसका साइज कितना था, एरिया कितना था, 40 एकर्स। ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, यहाँ पे बोला जा रहा है नतालिया डॉग इज नेम्ड, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, उसके कुत्ते का, नतालिया कुत्ते का क्या नाम था, तो नतालिया कुत्ते का नाम था लीप। ठीक है नतालिया ने लीप को कितने में खरीदा था, 85 रूबल्स, कितने में, 85 रूबल्स, 85 रूबल्स में खरीदा था, रूबल्स कहाँ के, रशिया करेंसी है। और जो लोमोव के कुत्ता गेस था इसको कितने में खरीदा था लोमोव ने, तो इसको खरीदा था 125 रूबल्स। ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ओके तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको ये लगे कि हाँ शेयर करने योग्य है दोस्तों के साथ, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, तो आप शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, नीचे सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।